हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है संतोष कुमार और मैं एक गूगल प्रोडक्ट के बारे में आज एक बात करने वाला हूँ, गूगल एडसेंस के बारे में। सबसे पहले गूगल एडसेंस होता क्या है, बस मैं इतना ही आज बताने वाला हूँ। दूसरी वीडियोस में मैंने बात करी है कि उसको कैसे क्लोज कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसकी बेनिफिट्स की बात मैं आज कर लूँगा और क्रिएट करने के बाद मैं दूसरी वीडियो में कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, गूगल एडसेंस गूगल की एक सर्विस है, गूगल की एक प्रोडक्ट है जिसके थ्रू आपका कोई भी ब्लॉग है, साइट है या फिर यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको अगर गूगल के साइट से कोई ऐड चाहिए, गूगल के साइट से आप एडवर्टाइजमेंट शो करना चाहते हैं अपने साइट पे, ब्लॉग पे या फिर यूट्यूब चैनल पे, तो गूगल की इस सर्विस में आपको अकाउंट बनानी पड़ेगी। जैसे दूसरे जगह हम अकाउंट बनाते हैं अपने मेल से, बड़ा सिंपल है, गूगल मेल से, गूगल की जो मेल है जीमेल, उससे आप इससे साइन इन करके सिंपली अकाउंट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इस सर्विस की जो खास बात है वो ये है कि एक्चुअली गूगल तो मतलब बिलीवेबल है, गूगल धोखा नहीं देगा और इससे रिवेन्यू भी अच्छा आता है इसके गूगल एडसेंस से, इसके एडसेंस से। दूसरी जो एडसेंस कंपनीज है इसके मार्फत थोड़ा सा कम रिवेन्यू देती है, कुछ इंप्रेशंस भी चुराती है। बहुत सारे गूगल भी जाके आप अगर गूगल एडसेंस अल्टरनेटिव ढूंढेंगे तो वो बता देगा क्या ढेर सारे हैं। फ्रेंड्स, गूगल एडसेंस की जो एक खास बात है वो ये है कि अगर आपने गूगल एडसेंस पे एक अकाउंट से ज़्यादा अकाउंट बना लिया, पकड़े गए एक अकाउंट से ज़्यादा आपने, मतलब कहने का मतलब कि अगर मेरा नाम संतोष कुमार है तो संतोष कुमार पेई नेम से मेरा कोई भी जीमेल हो, अगर पेई नेम मेरा है उसमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में और गूगल ने इस बात को पकड़ लिया, तो आपका अकाउंट तो सस्पेंड होगा ही होगा, आप भी गूगल से सस्पेंड हो जाएंगे इस सर्विस को यूज़ करने के लाइफ लॉन्ग। आप इस सर्विस को कभी फिर यूज़ ही नहीं कर सकते, गूगल परमिशन ही नहीं देता। अगर आप एक बार आप पकड़े गए, दैट्स इट, फिनिश, यू आर आउट। तो फ्रेंड्स, गूगल की और भी ऐसी सर्विसेज हैं, गूगल की मतलब बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिसके लिए गूगल खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। गूगल एडसेंस की बात करूँ, अगर आप यूज़ कर रहे हैं, एक यूज़र हैं, आपका गूगल एडसेंस अकाउंट एक्टिव है, एक्टिवेट है, उसमें लिंक है आपका अकाउंट भी, मतलब पैसे भी ले चुके हैं पीछे, बट अगर कुछ थोड़ा सा भी उल्टा सीधा हुआ तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। सो इस अकाउंट के लिए, इस गूगल के इस सर्विस के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बड़ा ही मतलब आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में तो ये अप्रूव होता ही नहीं, और अप्रूव हो गया, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, आउट। तो इसको मतलब आप अगर आउट हो भी जाते हैं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारे बिलगेट साहब जो माइक्रोसॉफ्ट चलाते हैं, बिंग है उनका, वो भी देते हैं, उनका भी गूगल की तरह ही एडसेंस है जो media.net करके है, उसमें भी अप्रूवल मिल जाता है, उसमें बड़ा जल्दी अप्रूवल मिल जाता है गूगल एडसेंस से। उनकी जो सर्विस है अच्छी है, मतलब वो जो आपसे कन्वर्सेशन करेंगे, कोई अगर आपको प्रॉब्लम आई तो आप मेल करो, वो विदिन 24 आवर वो कर देते हैं। और अगर आपने अपना ब्लॉग बना रखा है, ब्लॉगर अगर आपने गूगल का बना रखा है, ब्लॉग स्पोर्ट बना रखा है, तो media.net का अप्रूवल आपको गूगल नहीं देगा, गूगल का एडसेंस ही अप्रूव होगा ब्लॉग स्पोर्ट पे। दूसरे अगर दूसरी साइट है आपकी .com है, .in है, .asia, .org है, दूसरा कोई भी है, तो उस पर आप गूगल एडसेंस के अलावा जो भी एडसेंस सर्विसेज हैं, जो एड्स चलाती हैं, media.net है सबसे बढ़िया, यही है गूगल एडसेंस के बाद, उसको आप चला सकते हैं। बट गूगल की जो सर्विस है वो आप इधर नहीं, media.net पे नहीं चला सकते। फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें गूगल एडसेंस से रिलेटेड, और गूगल एडसेंस के अलावा एक जो अच्छी अल्टरनेटिव है उसके बारे में। अगर आपने भी ये गलती कर रखी कि गूगल एडसेंस पे एक मेल से आप अपने पे नाम से दूसरा अकाउंट बना रखे हैं, तो प्लीज़ मेरा दूसरा जो वीडियो है, हाउ टू क्लोज योर गूगल एडसेंस अकाउंट, वो जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारों को ये ऑप्शन मिल ही नहीं पाता कि गूगल एडसेंस को बंद कहाँ से करें। तो मैंने अपने दूसरे वीडियो में ये क्लियर बताया है कि कैसे आप उसे बंद कर सकते हैं अगर आपने दो बना रखा है, क्योंकि भाई बड़ा ही केयरफुल होने की बात है। एक बार अगर आप पकड़े गए तो फिर गूगल की ये सर्विस आप यूज़ नहीं कर पाओगे। हाँ, एक बात और बता देना चाहूँगा कि अगर ये मेरा लैपटॉप है और इसमें से दूसरे अकाउंट्स बन सकते हैं, दूसरे अकाउंट्स कहने का मतलब मेरा नहीं, किसी और का, नहीं उस पर कोई और होना चाहिए, बैंक होल्डर का जो होना चाहिए अकाउंट वो किसी और का होना चाहिए, मेरी माँ का, मेरे फादर का, मेरे भाई बहन का चलेगा। गूगल ये कहता है कि मतलब
एक सिस्टम से दूसरे लोग चला सकते हैं, घर में एक सिस्टम रखा हुआ है या फिर साइबर कैफे में एक सिस्टम रखा हुआ है तो उसको लोग यूज कर रहे हैं, तो उसमें ये वो कुछ नहीं करता। बट पेई नेम मेन बात होता है कि एक पेई नेम के नाम से दो गूगल एडसेंस अकाउंट आप नहीं रख सकते। चले फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ये मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दूसरी वीडियोज में MLM की सीरीज में बात करने वाला हूँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग की सीरीज में बात करने वाला हूँ, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। क्योंकि आज अपने सर्कल में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं MLM को लेके, मैं इस टॉपिक पे अभी फिलहाल जाना नहीं चाहता था, बट मेरे सर्कल से भी कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन कर दिया, दो चार क्वेश्चंस आ गए दो चार लोगों से, कुछ सीनियर्स लोगों से भी आ गए, तो मैं उस पर अब वीडियोज बनाना चाहूंगा फ्रेंड्स। ओके धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी प्रमोशन मिले, मैं भी मतलब मोटिवेट हूँ और कुछ कर सकूँ आप लोगों के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।